देखिए बिहार में आज नई सियासत की नई सुबह है। नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने के बाद बिहार का सियासी समीकरण बदल चुका है। विपक्ष नीतीश पर तरह तरह के आरोप मढ़ रहा है तो बीजेपी नीतीश की ढाल बनकर खड़ी हो गई है। अब ऐसे में आज बिहार में बड़ा दिन है। बड़ी जानकारी यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नीतीश की नई कैबिनेट की आज बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की यह बैठक है। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रियों के विभागों समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो कुल मिलाकर आज ये पहली सुबह और आज का दिन अहम बिहार की राजनीति के संदर्भ में। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? धन्यवाद पूजा, हमारे साथ नीरज सिंह हैं, उन्हीं से सीधी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन तीन बड़े मुद्दे, तीन बड़े एक्शन एनडीए के साथ नीतीश कुमार के आने के बाद। पहला कैबिनेट की बैठक, और दूसरा जिसमें कि नीतीश कुमार जो अपने सांसदों के साथ आने वाले बजट सत्र पर चर्चा करेंगे, क्या तैयारी है, क्या रणनीति होगी। और इससे भी बड़ा मुद्दा, क्रेडिट लेने की होड़ आपस में लग गई है पुराने महागठबंधन और नए एनडीए के बीच में। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तेजस्वी ने अपने दफ्तर में, आरजेडी के दफ्तर में पोस्टर लगवाया है जिसमें लिखा है धन्यवाद तेजस्वी, और अपने कामों को गिनवाया है। वहीं जेडीयू की तरफ से भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि परिवार बढ़ रहा है और हवाई यात्रा, हवाई जो परिवार होता जा रहा है। तो हमारे साथ नीरज जी हैं, बात करेंगे। नीरज जी, ये जो घटनाक्रम हो रहा है और एक्शन में सरकार है, स्पीकर को हटाने के लिए भी नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच में अब आप लोगों के ऊपर पुरजोर हमला किया जा रहा है। जो आप नौकरी बांटने की बात कह रहे हैं कि 7 निश्चय बांटो, ये तो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी धन्यवाद, तेजस्वी को धन्यवाद दिया जा रहा है। देखिए, प्रकृति भी सूर्योदय की ओर और लोगों के बीच में खुशनुमा माहौल है। हम लोग भी चाय पी रहे हैं, एकदम चैन और सुकून की जिंदगी है। माननीय तेजस्वी यादव जी अब तो विपक्ष के नेता हो गए, राज्य के उप मुख्यमंत्री। तो इतनी जानकारी आपको नहीं है कि राज्य में जो संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री होते हैं वही नीतियों का निर्धारण करते हैं। और यही तो आशंका हमारी हो गई, या हमको जानकारी मिल गई थी कि नौकरी के नाम पर ही लोग जमीन लेने की फिर तैयारी कर रहे हैं। जो ही जानकारी मिली, और उसका प्रमाण है कि तबादला के मामले में राजस्व भूमि सुधार विभाग में इसकी सूचना आई, खनन भूतत्व विभाग में आया, तो लगा कि करप्शन, बिना करप्शन के ये चैन में रह नहीं सकते। तो स्वाभाविक है, हम लोगों ने फैसला लिया कांग्रेस के दुराग्रहपूर्ण रवैये और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यनीति है, तो काहे नहीं बहाल कर लिए थे जब 15 साल राज किए थे तब। तब माल महाराज का मिर्जा खेले होली, एक एक बात को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि आज कैबिनेट की बैठक भी है और उसमें क्या तय होना है? आप लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए भी नोटिस दिए। विधानसभा अध्यक्ष को नैतिक रूप से तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, अब विधायी प्रक्रिया का वो अंग है, नोटिस करना, उसके बीच में भी वो इस्तीफा दे सकते हैं, ये उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जब संख्या बल नहीं हो तो स्वाभाविक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और ये लोग तो कह रहे थे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो कितना सुगम रास्ता हो गया, कठिन तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आज तो ईडी से पूछताछ होनी है, आज ईडी को समय दिया गया है कि लालू यादव जाएंगे और पूछताछ में हिस्सा लेंगे। अब वो सवाल तो महत्वपूर्ण है कि आज ईडी के सम्मन के बाद माननीय लालू प्रसाद जी जाएंगे, ईडी की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि दलित, अति पिछड़ा, अभी तो जाति सर्वे की रिपोर्ट आई कितने भूमिहीन हैं और उनके नेता भूमि संपन्न है, ये सवाल भी तो अब आएगा। जब आप जा रहे थे नीरज जी उनके साथ, ये सब कुछ तो था ही ना, तो फिर लालू के साथ क्यों समझौता करने लगे आप? वो सजा याफ्ता हैं, उनकी पार्टी के नेता जो अध्यक्ष हैं, खुद तेजस्वी यादव बेल पर हैं, तब फिर कैसे चलेंगे? बिल्कुल, सारे चीज़ों को जानते हुए हम गए थे, लेकिन हमको लगा कि अब नई पीढ़ी के तेजस्वी यादव हैं, सुधार हो गया होगा। लेकिन लगा कि ना, फिर तो वही काम ही लोग कर रहे हैं, अब इनके विधायक, विधान पार्षद अनाप शनाप बोल रहे हैं, माने इनके मंत्री हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री थे, सगुना मोड़ के पर मकान उकान है, कोई गरीब आदमी नहीं है, अच्छे आदमी हैं। अब वो प्रभु श्री राम पर बोल रहे हैं, कभी रामायण पर बोल रहे हैं,
जिसको जो मन है सो बोल रहा है और तेजस्वी यादव का नियंत्रण अपनी पार्टी पर नहीं। अभी बात करते हैं जी पूजा जी। प्रकाश आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताएं। बिहार से ही जहां पटना में नीतीश ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई है, संसद बजट सत्र से पहले जेडीयू की बड़ी बैठक है। दोपहर को 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू सांसद की बैठक होने वाली है। तो देखिए लगातार जो राजनीतिक अपडेट है वो इस खबर पर सामने आ रहे हैं। प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, संसद बजट सत्र से पहले जेडीयू की बड़ी बैठक, क्या तय होगा इस बैठक में, क्या एजेंडा रह सकता है? बिल्कुल, सांसदों की बैठक होने वाली है नीरज जी, आज नीतीश कुमार बुलाए हैं। तो आपका जो पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता था उसके तहत तो आप एनडीए में गए नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें तकरार है और फिर आप कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग का कैसे चलेगा? 2020 का विधानसभा चुनाव 7 निश्चय पार्ट 2 पर लड़ा गया था। गठबंधन बीच में बदला तो 7 निश्चय पार्ट 2 तो रहेगा और उससे किसी को मतभेद नहीं है। लेकिन केंद्र में मेरी बात हो रही है, जो केंद्र में आपका एनडीए में शामिल जेडीयू हो रही है अभी, तो उसमें आपका जो जैसे कि आचार नागरिक संघ सीएए जो था उस सब में तो आप विरोध में हैं, तो उसमें कैसे आप करेंगे? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व जो नीतिगत मुद्दे पर, माननीय नीतीश कुमार जी को ये अधिकार है कि उन नीतिगत मुद्दों पर वो निर्णय लेंगे कि भाई जो प्रोग्राम में हमारा अंतर्विरोध रहता है उस पर कैसे सामंजस्य की नीति अपनाई जाए। और माननीय सांसदों की कोई मीटिंग नहीं है, बल्कि माननीय सांसदों ने इच्छा व्यक्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का। तो मुझे जहां तक जानकारी है 12:30 बजे उन लोगों से मिलने का उन्होंने समय दिया। इस बार क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे आप लोग? नहीं, अरे भाई बिहार तो विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग है, बीजेपी भी इससे सहमत है, सारी पार्टियाँ सहमत है। तो हमारी उम्मीद जरूर है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास दर को देखते हुए और नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी दूर करने में सबसे हम अव्वल हैं, तो बिहार के प्रति विशेष नज़र तो जरूर रहे। देखिए ये अब जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो पुरानी मांग है, जैसे ही विपक्ष में जाते हैं तो बहुत जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन साथ आते हैं तो फिर इनकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। कहा आपने प्रकाश, और इसी तरीके की जो हलचल है वो बिहार की राजनीति में रिएक्शंस के जरिए आप सामने आ रही है। आपका बहुत धन्यवाद अपडेट्स पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी है आज, किशनगंज के रास्ते बिहार में एंट्री करेगी, लेकिन बिहार में एंट्री से पहले बीजेपी के खिलाफ उनकी मुहिम को बड़ा झटका लग गया। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अब राहुल गांधी बिहार के कई जिलों में पदयात्रा करेंगे। किशनगंज में पदयात्रा के बाद अररिया में प्रवेश करेंगे, पर वो पदयात्रा के बाद जनसभा भी करेंगे। राहुल गांधी नीतीश के एनडीए के साथ जाने के बाद 40 सीटों पर गठबंधन के साथ माहौल बनाएंगे और खोई हुई सियासी जमीन को वापस लाने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी। बंगाल एक स्पेशल जगह है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था वो आप बंगाली लोगों ने किया था। क्योंकि आप बंगाली हो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। अगर आपने देश को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है, अपने भारत को जोड़ने का काम करना है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज में पहुंचेगी, लेकिन अब तक इस न्याय यात्रा को कितने दिन हो चुके हैं, कहां कहां पर वो गए, उसकी डिटेल में जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। कुल दिन 66 यात्रा का सफर रहेगा, 6713 किलोमीटर, राज्य इसमें कवर होंगे 15, लोकसभा सीटें 100, जिले 110। ये पूरी जो प्लानिंग है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राहुल गांधी की, तो इस तरीके से ये न्याय यात्रा 66 दिन चलने वाली है। और ज्यादा जानकारी हमें देंगे बिहार के किशनगंज से जैनेन्द्र कुमार, इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। जैनेन्द्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में किशनगंज ही एकमात्र सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस जीती थी, और अब बिहार की उसी जमीन पर जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, क्या संदेश उनकी तरफ से दिया जाता है इन परिस्थितियों के बीच? देखिए, राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं जब से वो इम्फाल से निकले हैं तब से, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिहार में प्रवेश करने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। बल्कि हम यूं कहें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है,
उसमें केवल दो ऐसे राज्य थे जहां पर कि इस रूट में दो ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल थी, एक बिहार और दूसरा झारखंड। लेकिन अब बिहार में कांग्रेस सत्ता से विपक्ष में जा चुकी है और ये घटनाक्रम राहुल गांधी की यात्रा के बिहार में प्रवेश करने के 24 घंटे पहले ठीक पहले हुआ है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के खेमे में एक किस्म की जो निराशा है वो तो है। जब यात्रा शुरू हुई थी इम्फाल से, उस दिन ठीक उसी दिन सुबह मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और इसके बाद जब बंगाल में यात्रा आई तो ममता बनर्जी का बयान आ गया, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, कांग्रेस पर निशाना भी साधा। और अब जब यात्रा बिहार आ रही है तो उससे पहले कांग्रेस जो है वो सत्ता से विपक्ष में जा चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी की यात्रा अब तक तो कांग्रेस के लिए बहुत शुभ नहीं रही है, लेकिन नजरें इसी बात पर है कि किशनगंज में जब राहुल गांधी प्रवेश करेंगे वो क्या निशाना साधेंगे नीतीश कुमार पर, इस पर नजरें हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से तो नीतीश कुमार पर हमले बोल ही रही है, लेकिन राहुल गांधी क्या बोलते हैं इस पर नजर। एक बड़ी जान के दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर पहुंच गई है ईडी की टीम। झारखंड के मुख्यमंत्री से ईडी की टीम पूछताछ करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये पूछताछ होनी है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला जिसको लेकर पूछताछ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होने वाली है। और ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, हेमंत सोरेन के घर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ होनी है। हालांकि ईडी की टीम क्या पूछताछ शुरू कर चुकी है या नहीं, या क्या क्या संदर्भ रहने वाला है, ये देखना काफी अहम होगा क्योंकि ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर तो पहुंच चुकी है लेकिन ये पूछताछ होगी झारखंड के मुख्यमंत्री से। अब क्या इसमें सामने आता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। सरकार से बेदखल होते ही आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ऊपर मुश्किल खड़ी हो गई है। आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना है क्योंकि ईडी को उनसे जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले को लेकर पूछताछ करनी है। और इसी बाबत ईडी की तरफ से चंद दिन पहले लालू के घर जाकर समन दिया गया था। लालू को ईडी के पटना दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी की तरफ से आज जहां पर लालू को समन दिया गया तो वहीं कल यानी कि 30 जनवरी को तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। लैंड फॉर जॉब के आरोप में 2004 से 2009 के दौरान के ये आरोप है जब लालू यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे और भर्ती के बदले परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ले ली गई। और इस जांच के दायरे में सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं है बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा और बेटी भी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से सीधे हमारे साथ निधिश्री कनेक्ट हो गई हैं। निधिश्री, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उठापटक देखी जा रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने जो समन भेजा है, पहले तो ये अपडेट दीजिए कि लालू पेश होने वाले हैं या फिर नहीं, इस बारे में कोई जानकारी है क्या निधिश्री? इस वक्त मैं राबड़ी आवास के बाहर मौजूद हूँ और सीधी तस्वीरें अगर मैं आपको घर की दिखा सकूँ अपने सहयोगी आशीष के कैमरे से, तो यहाँ हलचल बढ़ी हुई और संभवतः आज लालू अपने घर से निकलेंगे और ईडी के सामने पेश होंगे। जोनल ऑफिस में आज तकरीबन 11 बजे का समय है जब लालू को ईडी के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि कल सत्ता से बेदखल हुई है आरजेडी और आज विपक्ष में आरजेडी और आज ही ईडी के सामने पेशी, आज लालू प्रसाद यादव पेश होंगे इसकी संभावना जताई जा रही है। इससे पहले दो बार उनके बेटे यानी तेजस्वी यादव जो कि अब उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनको समन के लिए बुलाया गया था। हालांकि पिछले दो पेशी में वो नहीं जा पाए थे और तब ये बयान आया था तेजस्वी की तरफ से कि लोकसभा चुनाव के चलते ये सब हो रहा है। लेकिन क्या आज लालू प्रसाद यादव अपने घर से निकलते हैं और अगर निकलते हैं तो क्या कुछ मीडिया के सामने कहते हैं, इस पर नजरें होंगी। और इस वक्त 11 बजे का समय है जब लालू प्रसाद यादव के ईडी के लिए सामने पेशी के लिए बुलाया जा रहा है। जी ठीक, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा, बड़ी जानकारी। दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है, झारखंड के मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ होगी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पूछताछ होनी है। और बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली में ही मौजूद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी की टीम उनके घर पर पहुंच चुकी है और अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर उनसे पूछताछ होगी। तस्वीरें आपके सामने, हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम की मौजूदगी। दिल्ली आवास पर दरअसल ईडी की टीम पहुंची है और पूछताछ होगी ये माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और मामला है मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा जिसको लेकर आज पूछताछ होनी है। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ, ईडी की टीम की मौजूदगी दिल्ली आवास पर हेमंत सोरेन के
और झारखंड के मुख्यमंत्री से आज पूछताछ होनी है। सबकी नजर इस पर रहेगी कि क्या सवाल ईडी की तरफ से पूछे जाते हैं और किस तरीके से जवाब हेमंत सोरेन की तरफ से सामने आते हैं, क्योंकि यह पुराना मामला जिसको लेकर ईडी की टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है हेमंत सोरेन के आवास पर, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और आज उनसे पूछताछ करेगी ईडी की टीम। तीखे सवालों से सामना हेमंत सोरेन का होगा दिल्ली में ही उनकी मौजूदगी। और इसी खबर पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मनोज सीधे जुड़ गए हैं। मनोज, दिल्ली में ही हेमंत सोरेन की मौजूदगी, ईडी की टीम भी वहां पर है, क्या चल रहा है वहां पर और क्या सवाल, क्या संदर्भ रह सकता है जिसको लेकर ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन को ये 10वां नोटिस था ईडी की तरफ से और 29 से 31 तक का समय उन्हें दिया गया था, लेकिन ये जो पूछताछ होनी थी ये रांची में ही होनी थी और उसके बाद हेमंत सोरेन अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ईडी की जो टीम है वो यहाँ उनका जो शांति निकेतन में घर है वहां पर रेड के लिए, मतलब उनसे पूछताछ के लिए पहुंची है और अब ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन अंदर मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये भी साफ नहीं हो पाया कि हेमंत सोरेन अंदर है या नहीं है। ईडी का जो ये 10वां समन था, जो एक जमीन का घोटाला हुआ था उसी को लेकर ईडी को पूछताछ करनी थी। इससे पहले भी कई समन जो है हेमंत सोरेन को दिए गए थे, तब हेमंत सोरेन ने अपनी व्यवस्था का हवाला दिया था और कहा था कि अगर ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है तो उनके घर पर आ सकती है। 20 जनवरी को ईडी की टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी, वहां पर उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद ईडी ने एक बार फिर से उनको समन किया था 29 से 31 के लिए, लेकिन इसके बाद हेमंत सोरेन अचानक से दिल्ली आ गए। तो अभी सवाल यही खड़ा होता है कि सबसे बड़ा कि अगर हेमंत सोरेन को मालूम था कि ईडी की टीम को पहुंचना है तो आखिरकार वो दिल्ली किस वजह से आए। फिलहाल ईडी की टीम उनके जो दिल्ली में घर है शांति निकेतन में, वहां पर पहुंची हुई है। धन्यवाद आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए पूछताछ होगी हेमंत सोरेन से, दिल्ली में मौजूदगी है, ईडी की टीम पहुंच चुकी है हेमंत सोरेन के घर पर और हेमंत सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद है। और चलिए बड़ी जानकारी आपको दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक हफ्ते के अंदर CAA लागू होगा। तो बंगाल की धरती से शांतनु ठाकुर का ये बड़ा बयान, बड़ा दावा CAA को लेकर। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में एक हफ्ते के अंदर CAA लागू होगा। राम मंदिर उद्घाटन हुए थे, आगामी एक सप्ताह मध्य ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে। तो शांतनु ठाकुर को आपने सुना, उनके बयान का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि CAA को देश की जरूरत है इस वक्त, और यही बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से दिया गया कि CAA देश की जरूरत है। शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला, ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। देश के अंदर ये अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नागरिकता कानून नहीं बनेगा तो पूरे दुनिया से हिंदू को मार काट, गैर मुस्लिम, बांग्लादेश से देखिए आए थे सिख भाई, अगर कानून नहीं बने तो क्या होगा। इसीलिए ये कानून बंगाल में TMC के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, ममता बनर्जी का विरोध हो या फिर अमित शाह का ममता बनर्जी पर निशाना, और इस बीच शांतनु ठाकुर का बंगाल की धरती से यह दावा, क्या संदेश? देखिए संदेश बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जितना बड़ा मुद्दा राम मंदिर है उससे बड़ा मुद्दा CAA होने वाला है।
बंगाल में पिछली बार जब सीए का अनाउंसमेंट हुआ था कि वो लागू होगा तो बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जहां सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे और लगातार होते रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है पहले भी और अभी भी कि हर बार इसका विरोध किया जाएगा, लेकिन बार बार इस बार कह देना खासतौर से बजट सेशन के पहले ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या केंद्र सरकार की रणनीति के तहत ये किया जा रहा है या शांतनु ठाकुर ने ये साफ कर दिया है कि बंगाल के चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव बंगाल की जमीन पर इसी अंदाज में लड़े जाएंगे। जी धन्यवाद आपका मनोज्ञा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए शांतनु ठाकुर की तरफ से ये बड़ा दावा जिसका समर्थन गिरिराज सिंह ने किया है कि एक हफ्ते के अंदर सीएए पूरे देश में लागू होगा। तो देखिए केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये बड़ा दावा नागरिकता संशोधन कानून 2019 में जो आया लेकिन 7 दिन में सीएए लागू होने की गारंटी दे रहे हैं शांतनु ठाकुर। उन्होंने बंगाल की जमीन से ये संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया कि 7 दिनों के अंदर पूरे देश में सीएए लागू होगा। तो कुल मिलाकर माना जा रहा है कि बंगाल के लिहाज से जो सीएए का मुद्दा है वो चुनाव में काफी ज्यादा हावी रह सकता है। देश के लिए नागरिकता संशोधन कानून जरूरत है, ये समर्थन गिरिराज सिंह की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि शांतनु ठाकुर ने जो दावा किया है, जो बात कही है वो ठीक है और देश को सीएए की जरूरत है। और आइए आगे बढ़े, बड़ी जानकारी आपको दें। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर के बाद परीक्षा पर चर्चा करेंगे जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी छात्रों को एग्जाम स्ट्रेस दूर करने के उपाय बताएंगे। कार्यक्रम के लिए 2,07,00,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। तो सुबह 11 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ ही देर के बाद छात्रों को तनाव दूर करने के मंत्र देंगे। बोर्ड की परीक्षाएं हैं और 7वीं बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ सीधे संवाद करेंगे कि आप एग्जाम के टाइम पर स्ट्रेस से दूर कैसे रह सकते हैं। तो 2.25 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है और अब से थोड़ी देर के बाद परीक्षा पर चर्चा होने वाली है। और मेरी सहयोगी अजातिका इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजातिका, परीक्षा पर चर्चा 7वीं बार, बोर्ड के एग्जाम नजदीक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चर्चा निश्चित तौर पर बहुत मनोबल बढ़ाएगी छात्रों का। बिल्कुल, मनोबल बढ़ाने के काम ये परीक्षा पे चर्चा का पूरा सेशन हर साल आता है और जब पहली बार शुरुआत हुई थी तो इसमें जो पंजीकरण कराया था छात्रों ने उनकी संख्या केवल 22,000 थी जो अब बढ़कर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जाहिर तौर पर छात्र प्रधानमंत्री के साथ जो सीधा संवाद है उस एपिसोड में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो संख्या हर रोज़ बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये भारत मंडपम की हैं और ये पहला गेट है, आप देखिए सजावट हो गई है, अंदर बच्चे मौजूद हैं बड़ी संख्या में। जो पूरा भारत मंडपम है वो बच्चों के साथ में भरा हुआ है, बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी हैं, टीचर्स भी हैं। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रूट लगा दिया गया है सड़क पर। मैं आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें जो हैं वो दिखाती हूँ। अब ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहीं से गुजरेंगे और भारत मंडपम के इस अरीना में पहुँचेंगे जहाँ पर छात्र अभिभावक और शिक्षक बड़ी संख्या में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एक स्ट्रेस बस्टर सेशन होगा पीएम के साथ में, 11 बजे का वक्त है, कुछ ही मिनट बाकी हैं। और उस स्ट्रेस बस्टर सेशन में हमने देखा है कि हर साल छात्र बड़ी बेबाकी के साथ में प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई टिप्स दीजिए कि इतनी टेंशन जब बोर्ड एग्ज़ाम्स की हमें होती है तो उसको कैसे कम किया जाए, वो कौन सा आहार है, पौष्टिक आहार वो हमें लेना चाहिए, यानी कि घर पर क्या टिप्स होनी चाहिए, वहाँ से लेकर स्कूल में क्या टिप्स होनी चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को ऐसे में अपने बच्चों पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, कैसे उनको मदद करनी चाहिए पढ़ाई में, हैंडल करने में, पढ़ाई के साथ साथ अपना प्रेशर जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने में, वो तमाम पहलू हैं जो प्रधानमंत्री मोदी अपने परीक्षा पर चर्चा में फोकस करते हैं और लगातार छात्रों को मोटिवेट करते हैं कि आपको आपका जो फ्यूचर है वो सिर्फ किताबें नहीं हो सकता, सिर्फ परीक्षा नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए भी बने हैं, आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, आप ड्राइंग में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें भी आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं।
हैं, इस तरह की तमाम जो बातें बच्चों के लिए जो बड़े बुजुर्ग अपने घरों में करते हैं, उस तरह की बातें जो है वो जब वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुनने को छात्रों को मिलती है तो जाहिर तौर पर उनका जो उत्साह है वो बढ़ता है और जो आने वाली टेंशन जो मार्च के महीने में बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो टेंशन कहीं ना कहीं छात्रों की कम हो जाएगी, ये उम्मीद हमें इस बार भी देखने को मिल रही है। और देखेंगे कि बच्चों का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि इस बार जो आयोजन है वो भारत मंडपम में हो रहा है जहाँ पर इससे पहले G20 का आयोजन हुआ था, बहुत शानदार ये एरिया भी है, यहाँ पर जो कैपेसिटी है छात्रों के आने की पहुँचने की वो भी कहीं ज़्यादा है, तो अब देखना होगा कि जब छात्र देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब छात्रों के सामने आएंगे तो कितना मनोबल उनका बढ़ता है। धन्यवाद आपका। इस बीच एक बड़ा अपडेट, दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर पहुंच गई है ईडी की टीम, झारखंड के मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ होनी है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला और इसी को लेकर ये पूछताछ होगी। दरअसल 29 से 31 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा था पूछताछ के लिए, लेकिन अब ईडी की टीम दिल्ली आवास पर पहुंच गई है और दिल्ली में ही हेमंत सोरेन की मौजूदगी है और वहीं पर पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पूछताछ होनी है और अब कई समन हेमंत सोरेन को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब जो ईडी की टीम है वो दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर मौजूद है जहां पर हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या हालचाल आप वहां पर देख पा रहे हैं? फिलहाल ईडी की टीम पहुंच गई है और आप हेमंत सोरेन के आवास के बाहर ही मौजूद हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए मैं 5/1 शांति निकेतन हेमंत सोरेन के घर के बाहर मौजूद हूं और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सुबह 7 बजे ईडी की जो टीम थी वो यहां पर हेमंत सोरेन के दिल्ली के घर पर पहुंची थी और ये 10वां समन था जो हेमंत सोरेन को दिया गया था और समन में साफ तौर पर यह लिखा था कि 29 से 31 तारीख के बीच आप कभी भी पूछताछ के लिए आ सकते हैं और ये जो समन था वो रांची के लिए दिया गया था, लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन अचानक से दिल्ली आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन अंदर हैं या नहीं है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ईडी की जो टीम है वो यहीं इस घर के अंदर मौजूद है और तमाम लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो यहां पर चल रहा है। आप कहां से हैं? आप हेमंत सोरेन हैं अंदर? आप बताएंगे हेमंत सोरेन अंदर है? लोगों के जो आने जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10वां समन जो है वो अब हेमंत सोरेन को जारी किया गया है। इससे पहले हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी और रांची के उनके घर में ही पूछताछ हुई थी, क्योंकि जब इससे पहले समन दिए गए थे तब हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि वो व्यस्त हैं, वो पूछताछ में नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने ईडी को जवाब दिया था कि ईडी उनके घर आकर पूछताछ कर सकती है। तो 20 जनवरी को ईडी की जो टीम थी वो हेमंत सोरेन के घर पर रांची में सरकारी आवास पर पहुंची थी, वहां पर कई घंटे तक उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद जो समन दिया गया था वो 29 से 31 तारीख के बीच का दिया गया था, लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन यहां पर दिल्ली आ गए। खबर बड़ा अपडेट आपको दे, भारत मंडपम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुछ ही देर के बाद छात्रों से होगा सीधा संवाद, एग्जाम को लेकर छात्रों को टिप्स देते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत मंडपम पहुंच गए हैं, ठीक 11 बजे छात्रों के साथ संवाद होना है, परीक्षा पर चर्चा होनी है, बोर्ड के एग्जाम नजदीक है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी 7वीं बार छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, तो कुछ ही देर में छात्रों के साथ ये संवाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये पूरी तैयारी, क्योंकि ये जो संवाद है उसका विषय होगा परीक्षा पर चर्चा, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर छात्रों के साथ बातचीत करते नजर आएंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले छात्रों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और उसी तनाव से छात्र दूर कैसे रहें, इसी को लेकर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधे छात्रों के साथ रहेगी। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, भारत मंडपम की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए 2.25 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हुआ है, 15 लाख शिक्षक अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं, 5.5 लाख अभिभावक, 2,50,000 छात्र अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो देखिए शिक्षकों से भी संवाद होगा, अभिभावकों से भी संवाद होगा, क्योंकि परीक्षाएं जितनी छात्रों के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके लिए स्ट्रेस होता है परीक्षा के समय पर, तो शिक्षक और अभिभावक किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, इसको लेकर भी जो चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षकों और अभिभावकों से भी करेंगे। कुल मिलाकर जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 2.26 करोड़ हुए हैं, जिनमें से 2,05,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 15 लाख शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 5,50,000 अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे,
करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद ये परीक्षा पर चर्चा का जो कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिप्स देंगे कि आप एग्जाम से पहले स्ट्रेस को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और हर छात्र के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, तो किस तरीके से आप अपने स्किल्स का, अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो चर्चा है ये परीक्षा पर होने वाली है। बोर्ड एग्जाम्स बेहद नजदीक, और ये वो समय होता है जब जो छात्र हैं 10वीं 12वीं के, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं लालू। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी की पूछताछ है आज। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ, लालू को पटना के ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। संशय था कि लालू यादव पेश होंगे या फिर नहीं, लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईडी दफ्तर के लिए लालू यादव रवाना हो चुके हैं। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में ईडी की पूछताछ आज होनी है, जिसको लेकर समन लालू यादव को जारी किया गया था। उनकी पत्नी, उनके बेटे, बेटी से भी पूछताछ होनी है। नौकरी के बदले जमीन के मामले में ये पूछताछ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना थी कि आज लालू यादव पहुंच सकते हैं, ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाया था निधिश्री ने कि संभावना है कि लालू यादव आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, और ये तस्वीरें सीधी सामने आ रही हैं जहां पर लालू रवाना हो चुके हैं ईडी दफ्तर के लिए। आज उनसे पूछताछ होगी। मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले से जुड़ा, जिसमें लालू, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटी यानी कि उनके पूरे परिवार से ये पूछताछ होनी है, जिसके लिए ईडी दफ्तर सीधा रवानगी। लालू यादव की तस्वीरें आपके सामने है, मीडिया के कैमरे लालू यादव पर, क्योंकि कोशिश यही कि मीडिया के सामने लालू कुछ कहें, कुछ बयान दें, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला और उसके बाद एक और मुश्किल लालू यादव के लिए। लेकिन इसी बीच ईडी के सामने आज उनकी पेशी, पूछताछ होगी लालू यादव से, तो ईडी दफ्तर के लिए लालू रवाना हो चुके हैं। ईडी आज लालू यादव से सवाल जवाब करने वाली है, और यह मामला है नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़ा हुआ।